अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिंसेस कट कटिंग करना सीखेंगे, जो हमने बचे हुए टुकड़ों में कटिंग की है। ठीक है, इसकी हमने कटिंग की है प्रिंसेस सेट की और बीच में हमने डोरी पाइपिंग लगाई है। ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डोरी पाइपिंग हमने आड़े कपड़े में लगाई है, खड़े कपड़े में लगाई है या उरेब कपड़े में लगाई है। चलिए शुरू करते हैं प्रिंसेस कट हमने किस तरह की है। ये मेरे पास कुर्ती के साइड्स के बचे हुए पीस हैं, जो हम कुर्ती कटिंग करते हैं इसके साइड में से बचते हैं। ठीक है, दो पीस है मेरे पास बैक और फ्रंट का। उसके बाद हमारे पास 1/4 गज का ये कपड़ा है। ठीक है, इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह। इसका रुख जो है ना हमें ऊपर की साइड करना है, कपड़े को हम घुमा लेंगे। यहाँ पे सेट करके से इस तरह दोबारा डबल कर लेंगे हम। फिर इसकी लंबाई देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तकरीबन हमारी 44 लंबाई तैयार हो सकती है। ठीक है, इसमें आप हम जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं अपनी लंबाई। हम इसे सबसे पहले नीचे एक सीधा निशान लगाएंगे। हमने निशान लगा लिया, अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। 42 हम लंबाई इसकी तैयार रखेंगे। ये निशान हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम शोल्डर के जो डाउन करते हैं यहाँ पे, इसे यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। तो हम स्मॉल साइज बना रहे हैं, 7 इंच पे हम इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे और वेस्ट का निशान 15 इंच पे लगा लेंगे। ठीक है, हमारा हिप्स नहीं है तो हिप्स का हम कोई निशान नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारे चाक बंद रहेंगे। ये दोनों निशान हम सीधे कर लेंगे। इसके शोल्डर के निशान हम 7 इंच पे लगा लेंगे। यहाँ पे भी एक निशान हम 7 इंच पे लगा लेंगे, इसके बराबर जो शोल्डर होता है हमारा। ठीक है, और जो हमारा चेस्ट है 18 इंच है, 9 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। ये निशान हम सीधे कर लेंगे और अंदर की साइड इसका शेप दे देंगे। इसे यहाँ पे अभी से शेप दे देंगे। ठीक है, और यहाँ शोल्डर से हम इसे निशान लगाएंगे 11 इंच पे। और यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, साइज के हिसाब से लगाया करें यहाँ पे निशान। भारी साइज है तो आप इसे 4.5-5 इंच पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि लार्ज हो गया आपका, एक्सेल लार्ज हो गया। ठीक है, तो हमारे स्मॉल है, हम 4 इंच पे इसे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ वेस्ट पे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से शेप देंगे। ये देखें, ये जो हमारी नोक आ रही है यहाँ से हम इसे इस तरह शेप देंगे। यहाँ से हमारा बराबर आएगा। और यहाँ इस निशान से हम इसे जितना भी हमने नीचे घेर रखा है हम पूरा रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तकरीबन आएगा हमारा 10 इंच आ रहा है, तो 9.5 तैयार होगा, आधा आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। इस निशान से हम इसे मिला लेंगे। अब ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले दो पीस की कटिंग करेंगे फ्रंट की, यहां आर्मोल से। यहां से हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक की हमारी थोड़ी सी बढ़ती हुई होती है। यहां से हम इसकी दोनों को बराबर कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट को। कर ली इस पीस को, हम हटा लेंगे साइड वाले पीस को। और ये देखिए जो हमारे बचे हुए पीस हैं, इन पीसों को मैंने आपस में सेट कर लिया। ठीक है, से यहां से 1 इंच जो है ना हम इसे बढ़ता हुआ रखेंगे इस कपड़े के ऊपर। ये देखें, तकरीबन 1 इंच बढ़ता हुआ आएगा हमारे ऊपर।
इस पीस को नीचे दे देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। और ये देखें, यहाँ पे पहले हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट का निशान है, ये हमारा वेस्ट का निशान है। यहाँ चेस्ट का निशान 9 इंच पे लगा लेंगे, यहाँ पे भी इसे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे वेस्ट का। ठीक है, इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम इसे शेप दे देंगे आर्म होल का। और इसका हमारा घेर आ रहा है, तकरीबन 30 इंच हमारा घेर तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी इसे हम शेप दे देंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से इस निशान तक मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम ऊपर वाले 2 पीसों की कटिंग करेंगे फ्रंट के हिसाब से, फिर हम बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे सारे। ठीक है, अब इसे हटा लेंगे और यहां से हम इसे 1 इंच का गैप छोड़ के कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली इसकी, इसे हम दोबारा सेट कर लेंगे। सेट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ठीक है, 20 इंच पे हमारा हिप्स आएगा। ठीक है, तो हिप्स हमारा तकरीबन जितना हमारा चेस्ट है 9 इंच पे हमने निशान लगाया था, तो हिप्स भी हमारा 9 इंच पे निशान लगाना था। तो इसी हिसाब से हम इसके देख लेते हैं। ये देखें, 9.5 इंच आ रहा है हमारा, आधा इंच लूज आ रहा है। तो ये बंद चौक वाली हमारी एयरलाइन है, तो इसमें आपका लूज ही होना चाहिए, आधे से 1 इंच यहाँ पे लूज होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका हिप्स 9 इंच है तो आपका 9 इंच ही आना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, वो आपको फंस जाएगा। ठीक है, कम से कम आधा इंच आपका लूज होना चाहिए, जैसे कि हमारा आधा इंच लूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। अब हम इसकी कलियों में पाइपिंग लगाएंगे। ये देखें, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारी आड़ी साइड है, ये हमारी खड़ी साइड है जो कन्नी वाली साइड होती है। ठीक है, कोशिश किया करें कन्नी वाली साइड आपकी होनी चाहिए कपड़े के लिए। आड़ी साइड जो है ना शेयरिंग हो जाती है, तो ये जो है ना यहाँ पे कली में आपके झोल आ जाएगा। जैसे कि आप एक बार तो पहन लेंगे, उसके बाद आप वॉश करेंगे तो कली में झोल आया था आड़े कपड़े से। तो खड़ा कपड़ा लगाएंगे तो इसमें झोल नहीं आता हमारा, ना इसमें हमें उरेब चाहिए ना आड़ा चाहिए, कोशिश करें कि खड़ा कपड़ा चाहिए। तो इससे हमें, ये हमारा खड़ा कपड़ा है, 1 इंच छोड़िए हम इसकी पट्टी निकाल लेंगे, इसकी कलियों में पाइपिंग लगा लेंगे। ठीक है, हम इसके बीच में जो है ना पाइपिंग लगाएंगे। ये 1 इंच छोड़िए हमने पट्टी काट ली, इसके बीच में डोरी लगाएंगे। ठीक है, अगर आप आसानी से लगाना चाहते हैं तो आप इसे पहले इस तरह रख के यहाँ पे डोरी पाइपिंग पे सिलाई लगा लें, उसके बाद आप साइड की गली जोड़ें। ठीक है, हम तो इसी एक ही सिलाई में जो है ना डोरी पाइपिंग लगा लेंगे इसके साथ। आप अलग अलग लगाइएगा, जैसे कि पहले डोरी पाइपिंग पे सिलाई लगा लें, बाद में साइड पैनल पे सिलाई लगा लें।
ये देखिए, हमने एक कली में डोरी पाइपिंग लगा ली, ठीक है। अब तीन कलियाँ भी इसी तरह हम लगा लेंगे। ये देखिए, हमने चारों पैनल जोड़ लिए, दो बैक के, दो फ्रंट के, और बीच में हमने पाइपिंग लगा दी इसकी। इसमें हमने उरेब पट्टी नहीं लगाई, हमने खड़ी पट्टी इसमें लगाई पाइपिंग में, ठीक है। ये हमारा बैक फ्रंट तैयार हो गया। अब आप इस पर गला कोई भी बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन वाला बनाना चाहें, सादा बनाना चाहें, वो आपकी मर्जी है।